हेलो गाइस, आज के इस वीडियोस में आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने थंबनेल पर तो देख ली होगी गाइस। तो दोस्तों, जिनके पास जो है, अगर आप फेसबुक चलाते हो जो कोई भी, और जिनके पास जो है एक से ज्यादा फेसबुक पेज हैं, तो वो लोग हैं डिलीट करना चाहते हैं अपना फेसबुक पेज। कुछ भी रीजन हो या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अकाउंट हैक किया जाता है, या कोई अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है फेसबुक में या इन प्रोफाइल में, तो वो है डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन जो है कुछ लोग डिलीट नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग तो जानते हैं गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अगर ये चीज जानना चाहते हैं, कोई नई जो है तरीका है जो 2023 में जो नए तरीके से डिलीट करना है, और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वो तो ये वीडियो देखिए। जिनको पूरी तरीके से पता है तो वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो है इसमें इन्फॉर्मेशन मेरी ठीक लगे तो प्लीज बाद में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस, आप लोगों को बताते हैं किस तरह से अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। जी हाँ गाइस, आपको यह वीडियो बना हुआ तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बता रहा हूँ इस वजह से। नहीं तो आप जब सीख लोगे इसमें से देख करके, तो आप जो है अपनी फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर, फेसबुक पर जाकर के अपने पेज पर लॉगिन हो जाना है, यहाँ फेसबुक ऐप से। तो उसके बाद जब लॉगिन हो जाओगे तो आपको साइड पर गाइस आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहाँ पर फेसबुक पर पेज पर आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर जो है 3 लाइन्स है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको आएगा फर्स्ट नंबर पर एक जो होता है फेस जो पेज सेटिंग्स जो आ जाएगी उसमें, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप उस पर पेज सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अपने नीचे से स्क्रॉल इस तरह से करना है, और आपको वहां पर एक मिलेगा फीचर से जो जिसका नाम है एक्सेस एंड कंट्रोल। तो जैसे ही फ्रेंड्स इस पर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर पेज डिलीट करने के लिए, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। डीएक्टिवेशन एंड डिलीटिंग, ये कुछ इस तरह से पेज आएगा बस। और जैसे फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे गाइस, इसमें आप लोगों को टिक कर देना है, वो है डिलीट पेज पर। तो जैसे फ्रेंड्स डिलीट पेज पर क्लिक करोगे और आपको नीचे मिलेगा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक लगा करके कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करोगे गाइस, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ आएगा रीजन, यानी कि आप अपने पेज को किस तरह से जो बिफोर रीजन होता है वैसे उसमें बताया जाता है कि आप अपने पेज को किस वजह से डिलीट करना चाहते हो। इसमें तो 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपके इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लिक करके आप उसमें रीजन दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देना है तो आपको सीधा का सीधा यहाँ पर नीचे जो है कंटिन्यू लिखा हुआ है नीले कलर में, उस पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे फ्रेंड्स इस पर क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर परमानेंटली डिलीट पेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला पेज आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर चाहो तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उससे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन है डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो है उसमें ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जो भी चाहो तो। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे फ्रेंड्स कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको आएगा कंफर्मेशन के लिए। जी हाँ गाइस, आपका अकाउंट दिखेगा उसमें, और अकाउंट जो कंफर्मेशन के लिए जो भी जिस भी प्रोफाइल से आपने अपना फेसबुक पेज बनाया होगा वो दिखेगी, और उसमें आएगा आपको पासवर्ड डालने के लिए। तो गाइस जैसे आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद गाइस आप लोगों को करना है कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे फिर से आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दूसरी बार भी। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से आएगा डिलीट पेज, जो भी आपका पेज होगा उसका नाम आ जाएगा एंड इसका डिलीट आएगा। तो गाइस जैसे इस पर डिलीट पेज पर क्लिक करोगे, और आपका ऑटोमेटिक 2 मिनट के अंदर आपका पेज जो है डिलीट हो जाएगा। ये गाइस आपके प्रोफाइल में भी नहीं दिखेगा, और इस तरह से आप अपना फेसबुक का पेज जो है डिलीट कर सकते हो। आप और भी चाहो तो और भी कर सकते हो। इस तरह से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गाइस आप लोगों को बता दी। गाइस दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए गाइस वीडियो को चैनल को जुड़ लेना, और जो भी आपकी फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।